स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू लास्ट जो हमने मड्यूल पढ़ा उसमें हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू क्या है और उसके गोल्स क्या हैं इस मड्यूल में हम ये देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू की कितनी टाइप्स हैं तो हम लिटरेचर रिव्यू की uh, जो है मेन जो टाइप्स हैं वो पांच टाइप्स हैं और वो यूँ हैं कॉन्टेक्स्ट रिव्यू हिस्टोरिकल रिव्यू इंटीग्रेटिव रिव्यू थ्रेटिकल रिव्यू और मेथडोलॉजिकल रिव्यू अब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि ये टाइप्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं कॉन्टेक्स्ट रिव्यू की बात की जाए तो ये ऐसा रिव्यू है जिसमें रिसर्चर ये कोशिश करता है कि वो अपनी रिसर्च को जो लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें प्लेस आउट कर सके और ये रिसर्च प्रोजेक्ट के शुरू में हम इसको कंडक्ट करते हैं कि कैसे वो जो सोशल इशू स्टडी करना चाह रहा है वो लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ कैसे लिंक्ड आउट है और इसमें हम ये करते हैं कि हम जो एज ए रिसर्चर अपनी स्टडी को सिचुएट करते हैं ब्रॉडर फ्रेमवर्क में कि हमारा जो स्टडी जो है वो किस तरह लिंक आउट है ब्रॉडर रिसर्च के साथ हिस्टोरिकल रिव्यू हिस्टोरिकल रिव्यू एक ऐसा लिटरेचर रिव्यू होता है जिसमें रिसर्चर uh, ये कोशिश करता है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम किसी सोशल प्रॉब्लम या स्टडी uh, जो सोशल इशू के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं उनको ट्रेस आउट करे कि कैसे 50, 60, सेवेंटीज़ 90 और आगे आने वाले दौर में uh, जो है इसके ऊपर स्टडीज़ हुई और ये फिनना कैसे चेंज हुआ जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्राइम रेट की या जुबिना एलडेलिक्वेंसी की या मैकेनिज्म टू कंट्रोल क्राइम तो इसके ऊपर अप्रोचेज़ कैसे डेवलप हुई ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम और कैसे कैसे इसमें चेंज आया है एंड इट कैन बी मर्ज विद अ थ्रेटिकल और अ मैथडोलॉजिकल रिव्यू जो हिस्टोरिकल रिव्यू होता है उसको थ्रेटिकल और मेथोडोलॉजिकल रिव्यू में भी मर्ज किया जा सकता है एंड बेसिकली इन हिस्टोरिकल रिव्यू वी ट्राई टू शो आ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी एंड अ रिसर्च डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम कि कैसे एक जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी है और जो रिसर्च मेथड है वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम उसमें क्या डेवलपमेंट हुई और क्या चेंजेस आई जैसे कि हम कहते हैं जो सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है या सोशल कैपिटल की जो थ्योरी है ये किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इन में जो एक्सटेंशन हुई है uh, जो थर्ड रिव्यू है वो मेथडोलॉजिकल रिव्यू है या इसको हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा रिव्यू है जिसमें हम जो है मेथोडोलॉजी को स्टडी करते हैं एंड द आथर कंपेयर्स एंड अवेल्यूट्स द रिलेटिव मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरियस स्टडीज एंड शोज हाउ डिफरेंट मेथोडोलॉजी एग्जाम्पल रिसर्च डिज़ाइंस मैस साम्पल्स अकाउंट फॉर डिफरेंट रिजल्ट कि कैसे एक ही फिनिना को जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी में स्टडी किया जाता है और जब उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में स्टडी किया जाता है तो उसके रिजल्ट डिफरेंट आते हैं या अगर आप आ, उसमें सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी हो या नॉन प्रोबेबिलिटी हो तो कैसे उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं या एक ही वेरिएबल को स्टडी करने के लिए आप तो डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं तो उसमें कैसे रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं इंटरग्रेटिव जो है वो एक ऐसा रिव्यू होता है जिसमें द ऑथर प्रेजेंट्स एंड सप्राइज द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज ऑन अ टॉपिक एंड इट ट्राइज टू हाईलाइट एग्रीमेंट्स एंड डिसमेंट्स विद इन दोशल इशू के जो आप टॉपिक इन हैंड है आपके पास उसके ऊपर क्या अग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द स्कॉलर और क्या डिसमेंट्स हैं एंड दिस रिव्यू इज़ कम्बाइंड विद द कॉन्टेक्सट रिव्यू और मे बी पब्लिश एज एन अंडिपेंडेंट आर्टिकल एज अ सर्विस टू अदर रिसर्चर्स तो अक्सर हम जो इंटीग्रेटिव रिव्यू होता है उसको एज अंडिपेंडेंट आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं थ्रेटिकल रिव्यू जैसा कि इसके नाम से ही सेल्फ एविडेंट है कि जो थ्योरीज को जब हम रिव्यू करते हैं तो उसको हम थ्ररेटिकल रिव्यू कहते हैं और उसमें देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एक वेरिएबल को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज डेवलप हुई हैं और उन थ्योरीज़ में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और कौन सी थ्योरी जो है वो आपकी रिसर्च के साथ लिंक्ड आउट है तो ये डिफ़रेंट रिव्यू uh, की टाइप्स थी जो मैंने आपको बताई और इसमें जो है हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट में पॉसिबल होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा रिव्यूज़ कर रहे होते हैं और जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है थीसिस में अगर हम लिख रहे हैं तो रिव्यू कुछ और स्टाइल से लिखेंगे और अगर हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें रिव्यू स्टाइल जरा डिफरेंट हो जाएगा इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे जब हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में लिटरेचर रिव्यू को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी क्या क्या शेप्स बन सकती हैं